Good morning, guys, and welcome back to my channel, everyone. This is Ankita, and you're watching Scoot with Anku. तो आज है हमारा गोवा में डे टू और लास्ट का डे हमारे यहाँ पे, बिकॉज आज के दिन में हम लोग पूरा जितना होगा उतना साइट सीइंग करने वाले हैं. उसके बाद कल हम लोग की ट्रेन है 10 बजे की, निकल जाएंगे. तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए थे हम लोग, बस आज कल और आज के लिए आए थे, बिकॉज टाइम का भी ऊपर नीचे था, एकदम ऑन द स्पॉट प्लान बना था हमारा इस वजह से. तो ये रहा सुबह सुबह का गोवा, और अभी टाइम हो रहा है 1 सेकेंड, अभी टाइम हो रहा है 8:30, और अभी हम फटाफट नीचे जाएंगे और गाड़ी का बंदोबस्त करेंगे अभी, बिकॉज यहाँ से दूर दूर है सारे साइट सीइंग. तो शायद कार रेंट का देखते हैं, अगर बजट में मिलता है तो ले लेंगे. उसके बाद इससे क्या करना है, यहाँ पे कैसा घूमना है, चलो अभी देखिए. तो ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा गोवा में. तो अभी हम लोग सुबह, मैं और कल्पना आए बाहर, बिकॉज हम लोग को कार चाहिए. आज पूरा दिन घूमने के लिए तो वही हम लोग ढूंढ रहे, पर यहाँ पे भाई है ही नहीं कार, मतलब पूरा बुक है. और है तो जीपी पे, मतलब थार है. थार मैंने ज़िंदगी में कभी चला नहीं, तो मेरे को आइडिया नहीं है, इसलिए मैं थार नहीं ले रही हूँ. फालतू में रिक्स नहीं लेना है मुझे, इसलिए हम लोग ढूंढ रहे फिलहाल. देखो यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए थे, उसी पे कॉल कर करके हम लोग पूछ रहे हैं कार मिलेगी क्या. तो गाइस ये वाली गाड़ी हमें मिल चुकी है, ये देखिए अभी इसका मैं फुल वीडियो बनाती हूँ. गाइस अभी पहले करते हैं नाश्ता. ये देखिए मैसूर मसाला डोसा, ये उत्तप्पा इडली है. और सभी लोग गुड मॉर्निंग कीजिए जरा व्लॉग में. गुड मॉर्निंग. तो अभी सब ऑल सेट है आज घूमने के लिए, और सबसे ज्यादा प्रेशर मेरे पे आज. देखो इन लोगों को घुमाना है. और अभी हम लोग को कार मिल चुकी है, तो अभी उसको आराम से चलाऊंगी मैं. ज़्यादा ये भी फास्ट नहीं दौड़ाना है, आराम आराम से चलना है. गोवा है, यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो आराम आराम से चलना है. चलो जैसा है रिकमेंड कर सकते हैं साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट की. तो यहाँ पे जैसे कलंगूट जाते हैं तो सर्कल के यहाँ पे लेफ्ट पे उड़पी रेस्टोरेंट. गाइस ये रही हमारी कार, नंबर घूम गई तो बता देना. देखो ये हमारा नंबर है, i10 गाड़ी है. तो अभी इसके हम लोग जाने वाले 5 सीटर गाड़ी है, तो लेट्स गो. सो ये देखिए यहाँ पे 3 जन, यहाँ पे 1 जन, और यहाँ पे मैं चलाऊंगी. सो अभी हम लोग निकल चुके हैं हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए. कहाँ जा रहे हैं हम लोग अभी? पहला अगोड़ापुर जा रहे. हाय बोलो. हेलो, कैसे लग रहा है गाड़ी में? अंकिता ड्राइविंग कर रही है, कैसे लग रहा है? ड्राइवर हमारी गाड़ी मजा आ रहा है. वेरी कूल ड्राइवर. और भी आगे आगे देखो होता है क्या. साली नर्वसनेस में बैठ के चला रही है. कोई बात मत करो मेरे से, चलाने दो मेरे को. आज ब्लॉगर चुप है, ब्लॉगर चुप है. ठीक है, फर्स्ट टाइम ब्लॉगर इतना ड्राइव कर रही है. लॉन्ग ड्राइव पे लेके गई है हम लोग एक्चुअली गोवा में. वो भी गोवा में. इसका एक ड्रीम था कि गोवा में हम मतलब बाइक चला के हो गए थे. अभी कार है, और जहाँ हम सब फ्रेंड्स मिलके हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको किसी को स्कूटी आती नहीं है उसके अलावा. इसके लिए हमको कार रेंट पे लेना पड़ा. और एक को आता था, धोखा दे दिया, बिच कर दिया हम लोग. अभी आपके पार्किंग के पैसे लगते हैं. देखो ये टिकट मिलती है आपको यहाँ से. ओके ओके, 100 है किसी के पास? 100. ये स्कूटी की भी ले रहे रे, 50 रुपये में ले लेता है. हाँ, अब अवगड़ा फोर्ट पे आओगे तो आपको ये टिकट मिलती है 100 रुपीज़ की कार के लिए. और बाइक का शायद उससे कम है थोड़ा, बाइक पार्किंग के लिए. हाँ, पार्किंग का चार्जेज है. टैक्सी करती है. सो अभी आ चुके हैं हम अगोड़ा फोर्ट. यहाँ पे बहुत ही फेमस है यह सिक्वेरियम बीच,
तो यहाँ पे जरूर विजिट कीजिए, बहुत ही सही पोर्ट है और बहुत काफी बड़ा है। और यहाँ पे आने के लिए कैप गॉगल पहन के आइए और सनस्क्रीन को दबा के लगा के आइए, बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे और धूप भी बहुत है। और बाजू में बीच है, यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ से एंट्री है। चलो ऊपर लेफ्ट साइड से घूमना चालू करते हैं। ये देखिए गाइस बीच, आई थिंक ये सिक्योरियम बीच से कनेक्ट होता है ना कोई ऐसा। और यहाँ पे ना ये जो बोट चल रही है ना, वहाँ पे डॉल्फिन राइड होती है नीचे जो बोट दिखाई दे रहे वहाँ पे। तो अभी अगोड़ा फोर्ट घूम के आ चुके हम लोग, अभी निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। पहले मार्केट जाएंगे हम लोग, के बहुत सारा सामान खरीदना है, बहुत सारे फरमाइश आए घर से। तो ये रही हमारी गाड़ी, तो पहले चलते हैं मार्केट। काजू चाहिए, कोकम चाहिए, कोकम चाहिए, काजू चाहिए। अरे भाई गरम कितना हो गया है। अभी हम आ चुके हैं मापसा मार्केट और बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत इतना यहाँ पे भी जनवरी के महीने में, और इतनी ट्रैफिक, बाप रे बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिली, इसलिए ज्यादा थक गई मैं, बिकॉज मेरे को बहुत ज्यादा क्लच ब्रेक से खेल खेल के आना पड़ा। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं चपोरा फोर्ट, यहाँ पे हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी है, यहाँ से अभी चलते चलते जाना, ट्रैक करना है अच्छा खासा। So, चलो यस वी आर एंजॉयिंग, हां ठीक रहे चले थे एंजॉय कर रहे थे, थक तो जाएंगे ना थोड़ा। कितने सालों बाद ट्रैकिंग करी है वैसे? हो गया तो 3 साल करने का, 3 साल हो गया। इसके ऊपर हुआ रहेगा स्टैमिना नहीं रहे भाई, हालत खराब और ऊपर से हो रहे, दिखा दिखा पूरा दिखा। भाई साहब ये इतना ऊपर और जाना है, बहुत ऊपर जाना। देखो सीढ़िया, कितना स्मार्ट है, पानी का बॉटल खरीदते हैं और उसको हम गाड़ी में नहीं रख देते हैं। सो हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली गेट पे, और यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन रजिस्टर रखा है, इसपे नाम और वो सब लिख के जाना है। अरे आ गए थक गए, मैं इसको खींच के ले आई, वी डिड इट। चलो नाम लिखो, नाम लिखो। सो ये देखिए फर्स्ट व्यू यहाँ का, वहां से एंट्री किया हमने। ये एक्चुअली ऑलमोस्ट हमारे मलाड में मनोरी आइलैंड है, वहाँ पे भी एक ऐसी प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत है वो भी, उसका मैंने व्लॉग बनाया आप देख सकते हो, मनोरी आइलैंड करके, सेम एग्जैक्टली वैसी इस जगह है। और ये देखिए प्लास्टिक के लिए इधर कचरे का डिब्बा रखा है, और बहुत ज़्यादा भीड़ है, सनसेट होने वाला है, अभी बज रहे शाम के 5। नहीं मेरे को लगता है वागा तो रहे, आई थिंक। सो गाइस ये देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, बहुत अच्छे अच्छे फोटो खींचे हमने। और यहाँ पे देखो 50-50 रुपीस का भी ये जो लड़का है वो खींच खींच के दे रहा है प्रोफेशनल फोटो। ये जो सीट है ना, ये दिल चाहता है वाला सीन का ये सीट है, देखो यहाँ पे आमिर खान, अक्षय खन्ना एंड कौन था सैफ अली खान, उनका यहाँ पे फोटो लिया था, फोटो मतलब यहाँ पे वो सीन क्रिएट किया था। और ये भी क्या मिला नहीं कोई तुझे निकालने के लिए।
हमारा न्यू ड्राइवर. दिस इज द स्ट्रगल ऑफ आवर ड्राइवर. And she is the navigator. गाइज अभी हम आए, क्या नाम है गाइजा? द फ्लाइंग गुड. काजल के भाई का रेस्टोरेंट है, मतलब पता नहीं क्या रेस्टोरेंट कैफे जैसा है. बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे अंतिमा में सबसे फेमस जगह है. हाय प्लीज जोड़ू. हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं 7:15 और अभी हम लोग अंजना गए थे, बट मुझे वहाँ पे जाने को नहीं मिला बिकॉज वहाँ पे इतनी पतली पतली गलियाँ थी कि पूछो ही मत. इसलिए मैं और काजल निकल आ गए क्योंकि हम लोग को मतलब पतली पतली गलियों से वापस कार निकाल के आना पड़ा. ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके थे बट वहाँ से आना पड़ा बिकॉज बहुत ही ज़्यादा पतली थी अंदर अंदर के लिए. तो मैंने बोला रिक्स नहीं लेते, एक तो रेंटल कार है और ऊपर से ज़रा सा भी स्क्रैचेज आएंगे तो यू नो मतलब बड़ा जो डिपॉजिट है ना 2000 वो भी खा लेंगे वो लोग. तो इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग बाहर चले थे, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था अंजुना बीच कैसा है. तो इन लोगों को मैंने बोला तुम लोग चले जाओ, मैं और काजल निकलते गए क्योंकि काजल मेरे को गाइड करी थी कैसे जाना है. आई एम वेरी टायर्ड एंड हालत देखो बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे और बहुत ही प्यारी जगह है. स्कूटर वूटर लेके आना मज़ा है यार यहाँ पे, मतलब सीरियसली बोलूँ अगर पर्सनल गाड़ी रहेगी तो एक बार थोड़ा रिक्स ले लेके अपन, थोड़ा सा भी स्क्रैचेस आते हैं तो इतना दुख लगता है बट यार खर्चा तो नहीं होगा हल्का फुल्का स्क्रैचेस का. तो इसलिए निकला. आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, मतलब पूरा दिन हमारा आधा है, आधे से ज्यादा दिन हमारे ट्रैफिक में चला गया है. थक गए हम लोग, मेरे घुटने दुखने लग गए यार क्लच दबा दबा के. अपना स्कूटर ही जिंदाबाद है, अभी भी आना स्कूटर सीख के आना. कार मत लेना भाई, मतलब स्कूटी लो टू व्हीलर लो, सो गाइस दिस इज अरपोरा का नाइट मार्केट. यहाँ पे सैटरडे को ही सी मार्केट लगता है और अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती है. सो यहाँ पे तो जरूर विजिट कीजिए अगर आप आ रहे हो मतलब सैटरडे के टाइम. तो चलो अंदर चलते हैं और बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई यार. सिटी बेस्ट है भाई, ये देखो बहुत ही हैपनिंग जगह. यहाँ पे बहुत सारे बैग्स की कलेक्शन एंड ये ड्रीम कैचर्स, मतलब बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें यहाँ मिलती है. तो ज़रूर यहाँ पे विजिट कीजिए और सस्ते में भी रहती है. यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है सैटरडे नाइट बाजार. इज मेकिंग स्केच. हाँ लेट्स सी लाइव स्केच इज मेकिंग. लेट्स सेट इट. ही मेड सम फनी फेसेस. अच्छा जस्ट सी फ्रॉम अप. भारी बोल रहे बज रहे 9:45 और फाइनली हम लोग हमारे रूम के यहाँ पहुँच चुके हैं और एक गाड़ी भी सही सलामत चले, मतलब किसी को ठोका नहीं कुछ नहीं, एकदम आज बहुत खुद पे प्राउड फील हो रहा है मुझे.
और मेरे दोस्तों को भी। तो अच्छा लगा कि एकदम मतलब यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा टफ था चलाना, और मुंबई में ऐसे रास्तों पे मैंने कभी नहीं चलाया था लिटरली, मतलब प्रॉपर रोड मतलब टू लेन रोड पे अच्छे से चला था, बट यहाँ पे सिंगल लेन रोड पे मैंने चलाया। बहुत मतलब अच्छी बात है, मतलब मेरे को ड्राइविंग आती है आती है। तो ये रही अपनी कार, इसको बाय बाय करते, बहुत अच्छा लगा चला के, मज़ा आया, थैंक यू सो मच ग्रैंड आइटन। ठीक है, हम लोग ने ग्रैंड आइटन लिया, जब हम लोग जाएंगे रूम पे फ्रेश होंगे, मोबाइल चार्ज लगाएंगे थोड़ा, और उसके बाद खाना खाने जाएंगे। कार्ड नहीं है।